नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर सागर अग्रावत। आज का ये हमारा वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट वाटर फ्रॉम इंडिया, मतलब आप पानी का कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे स्टूडेंट से हमें कि सर हमें एक्सपोर्ट करना है पानी तो हम कैसे कर सकते हो। देखिए, पानी बहुत प्रकार के होते हैं, मिनरल वाटर बोतल भी होती है और नॉर्मल वाटर बोतल भी होती है। जो हम यहाँ पे पैक्ड जो हमारी बोतल में हम पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर नहीं होता, वो नॉर्मल पानी होता है, और मिनरल वाटर होता है वो भी एक अलग टाइप का पानी होता है। तो काफ़ी प्रकार के यहाँ पे पानी भी होते हैं, और आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो पानी, एक्सपोर्ट करना चाहते हो वाटर, तो आप कर सकते हो। हाँ, ये मुमकिन है क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आज ही कस्टम में से डेटा निकाल के देखा है, काफ़ी कंट्रियों में एक्सपोर्ट हो रहा है पानी। तो अगर आपको पानी एक्सपोर्ट कैसे करना है, हाउ टू एक्सपोर्ट वाटर फ्रॉम इंडिया, ये आपको जानना है तो आप ज़रूर ये मेरा वीडियो देखिए। आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप ज़रूर मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो प्रैक्टिकल आपके लिए बताता हूँ। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा आपको पानी एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आप कैसे कर सकते हो, कितने प्रकार के आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सी कंट्री आपको टारगेट करनी चाहिए, कहां से आपको बायर मिलेगा, ये भी ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप जरूर ये मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे, आप सीख पाओगे आपको पानी एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको बताऊं कि विदाउट वाटर कोई आदमी यहाँ पे जी नहीं सकता, क्योंकि खाने के बिना भी कोई आदमी चल जाएगा उसका थोड़े टाइम तक, पर पानी के बिना वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो वन ऑफ द एसेंशियल चीज है, आप ये समझ सकते हो कि विदाउट वाटर कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो पानी सबको चाहिए। कई सारी कंट्रियां वैसी है कि जहां पे पानी का रिसोर्सिस है पर पीने लायक नहीं है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो UAE है, थाईलैंड है, जहां पे पानी तो है, पूरा समुंदर है उसके पास, पर भी वो पीने लायक नहीं है। उसको प्रोसेस करना पड़ता है और वो प्रोसेस करते हो तो उसको काफी महंगा पड़ता है, तो वो इम्पोर्ट करते हैं कहाँ से, इंडिया जैसी कंट्री से जहाँ से हम उसको सस्ते रेट में पानी दिला सकते हैं। तो आइए आज की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको पानी एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक GST सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट। अभी एक्सपोर्ट करने आप जाते हो वाटर, तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले एज पर अवर इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको फसाई चाहिए, फसाई सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी चाहिए। अगर आपको फूड आइटम एक्सपोर्ट करना है, पैक्ड आपको मिनरल वाटर बोतल आपको एक्सपोर्ट करनी है या नॉर्मल आपको बोतल एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए। आपके पास फसाई का लाइसेंस होगा तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लाइसेंस लेना पड़ेगा फसाई का। उसके बाद आता है RCMC सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आएगा इनवॉइस, उसके बाद आएगा आपका पैकिंग लिस्ट, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की। अगर आप बाय एयर कर रहे हो तो आपका एयरवे बिल आपको मिलेगा, अगर आप बाय सी कर रहे हो तो आपको बिल ऑफ लेडिंग वहां से मिलेगा, और लास्ट में अगर आपका बायर आपसे लैब रिपोर्ट मांग रहा है तो आपको वो पानी का टेस्ट करवा के लैब रिपोर्ट भी आपको साथ में देना है। तो यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपको पानी एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं आपको टारगेट कंट्री कौन सी रखनी चाहिए। UAE सबसे पहले है, जो हमारी नेबर कंट्री है, जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा खपत है क्योंकि बहुत गर्म कंट्री है, वहाँ पे बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग हमसे भी ज़्यादा पानी का कंजप्शन करते हैं। मतलब इंडिया में हम एक आदमी एक दिन में 1 से 2 लीटर पानी पीते, तो वहाँ पे लोग 4 से 5 लीटर पानी आराम से पीते क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है इसलिए। और वहाँ पे पानी का तो सोर्स है पर वहाँ पे समुंदर का पानी है जो पीने लायक नहीं है। तो आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो बोतल पानी की तो वहाँ पे इंपोर्ट करने वाले आपको बायर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट कंट्री इज UAE, नाउ सेकंड इज डेनमार्क, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इज युगांडा, फिफ्थ इज मालदीव्स। मालदीव्स में भी आप देखोगे
मालदीव्स जो वहाँ पे जो पूरा आपका कंट्री है, जो पूरा एरिया है वो समुद्र के बीच में है, तो वहाँ पे पानी का सोर्स इतना नहीं है, वो इम्पोर्ट करते हैं ज़्यादातर इंडिया से। उसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड में भी मैं पर्सनली पिछले साल गया था विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि पानी काफ़ी महंगा है, तो वो भी इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से पानी। सिंगापुर है जो भी इम्पोर्ट करता है पानी इंडिया से। 8 है टोगो जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे भी पानी इम्पोर्ट होता है इंडिया से। बहरीन है जहाँ पे भी पानी इम्पोर्ट होता है इंडिया से। सऊदी अरेबिया है, वो भी इम्पोर्ट करता है पानी इंडिया से। यहाँ पे आपको मैं पूरी 10 कंट्री की लिस्ट बता दिया जहाँ पे वो इंडिया से पानी इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास पानी के रिसोर्सेस नहीं है, है तो पीने लायक नहीं है और ज़्यादातर उसको खर्चा लगता है वो पीने लायक पानी बनाने के लिए, इसीलिए वो इम्पोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो वाटर बॉटल, तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट करिए। आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आपको मैं पूरी चीज़ बता दिया, आपको कंपनी कैसे ओपन करनी है, कंपनी के अंदर कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट पता है कि आपको वाटर बॉटल एक्सपोर्ट करनी है, कौन से कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी यहाँ पे आपको मैं टॉप 10 कंट्रीज बता चुका हूँ जहाँ पे आप वाटर बॉटल एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी आपको किसका वेट करना है, आप ज़रूर शुरुआत करिए अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की। आपको नहीं पता एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे होता है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो, होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकली वीडियो बनाए हैं जो आप देख के भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीख सकते हो। तो आज का ये हमारा ये टॉपिक था हाउ टू एक्सपोर्ट वाटर बॉटल फ्रॉम इंडिया। तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट करिए इंडिया से ज़्यादा और इंडिया की इकोनॉमी को ज़्यादा ग्रो करिए। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद आज का ये मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।